यूपी में मेट्रो बंद है, सभी उड़ानें रद्द हैं, ऑटो रिक्शा, दफ्तर, बाजार, धार्मिक स्थल सब लॉकडाउन। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। अभी बाराबंकी को हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन ये जो बाकी शेष 15 जनपद हैं, ये सभी 15 जनपद पूरी तरह लॉकडाउन होंगे। यूपी में 25 मार्च तक आपको इस सन्नाटे की आदत डालनी होगी। कोरोना के कर्फ्यू में यूपी के 16 जिले बंद हैं। खाली सड़कें, सुनसान बाजार, बंद दुकानें, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। यूपी की किस्मत में अब ये सब लिख दिया गया है। इन 15 जनपदों को पूरी तरह जिला प्रशासन, यहाँ पर पेट्रोलिंग होगी। जनता की सहायता के लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की PRB 112 के हमारे लगभग 3000 फोर व्हीलर, 1500 टू व्हीलर, ये सुरक्षा के साथ साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी हम इससे मदद करेंगे। इमरजेंसी में अगर किसी परिवार को कोई आवश्यकता होगी, PRB 112 उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लॉकडाउन के दौरान क्या खुला है, ताकि आप खुद को इस लॉकडाउन के लिए तैयार कर सकें। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान, राशन की दुकान, बिजली पानी के दफ्तर, टेलीकॉम और डाक सेवा, बैंक, ATM, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, होम डिलीवरी और टेक अवे वाले रेस्टोरेंट, ये सब खुले हैं। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रोजमर्रा की चीजें आराम से उपलब्ध हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल सेवाएं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर और अकाउंट ऑफिस, जरूरी चीजों से जुड़ी ई कॉमर्स सेवाएं, LPG, गैस एजेंसी, ये सब खुले हैं। क्या क्या बंद है अब ये भी जान लीजिए। सभी तरह के बाजार, फैक्ट्री, प्राइवेट दफ्तर, गोदाम, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, ये सब लॉकडाउन है। मेरे इन सभी 15 जनपदों के सभी नागरिकों से अपील होगी कि वे कहीं बाहर न निकले, किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, क्योंकि वे उस स्टेज पे खड़े हैं कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। अगर यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। 25 मार्च तक मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। प्राइवेट बसें, टैक्सी, ई रिक्शा को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं है। बहुत जरूरी काम है तो आपको अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करना होगा। रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए आप निकल सकते हैं, लेकिन आपको अपने इलाके में ही रहना होगा और बाहर निकलते वक्त भी लोगों से दूरी बनाए रखने की जरूरत है। दुकानों पर भी 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अंकित सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।